पालक के पराठे अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं जैसे मैंने बनाए हैं, पालक के पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। ये हमने थोड़ी सी पालक ली है, अदरक का टुकड़ा, थोड़े से लहसुन, हरी मिर्च, गेहूं का आटा समथिंग 250 ग्राम के करीब में। सबसे पहले हम पालक के डंठल हटा देते हैं, फिर इसे हम बॉईल करेंगे पानी में। इसके हम दो टुकड़े करेंगे बीच से। इधर पानी हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, इसे हम पानी में डाल देंगे और इसे हम उबालेंगे थोड़ी देर के लिए, लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। 1 मिनट हो चुका है, पालक अच्छे से उबल गई है। इसे हम निकाल के तुरंत ही, हमने एक ठंडा पानी रखा है इसमें, इसमें हम डाल देंगे ताकि इसका कलर उसी तरह से हरा बना रहे, वरना कलर काला हो जाता है। ये ठंडा हो गया है, इसे हम निकाल के एक मिक्सी जार में डालेंगे, इसे हम पीस लेंगे। इसे हम डाल देते हैं। अब इसी में हम डाल देंगे अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, जीरा, बाकी के मसाले हम डालेंगे हींग, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अजवाइन, ये आटे में हम डाल देंगे। इसका पेस्ट तैयार करना है, पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। इधर ये जो मसाले हमने ऐड किए थे इन्हें हम मिक्स कर लेंगे आटे में, और ये जो पेस्ट हमने तैयार किया है इसे हम डाल देंगे आटे में और इसका डो तैयार कर लेंगे हम। पानी हम डाल देंगे ताकि इसका जो अंदर पेस्ट लगा हुआ है वो सारा निकल आए, और जितनी ज़रूरत होगी हमें उसी हिसाब से इसमें हम ऐड करेंगे। आटे का डो हमने लगा के तैयार कर दिया है, अब इसे हम रख देंगे 5 मिनट के लिए साइड में। पराठे के साथ खाने के लिए हम एक चटनी बनाएंगे, जिसमें हम लेंगे थोड़ा सा धनिया, एक टमाटर, नींबू, थोड़ी सी लहसुन की कलियां, 3 हरी मिर्च, जीरा, नमक, इसे हम पीस लेंगे मिक्सी जार में। लोई हमने काट ली है, अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे, अब इसे हम बेलेंगे। आप चाहें तो इसे गोल भी बना सकते हैं, चौकोर भी बना सकते हैं और तिकोना भी बना सकते हैं, तो आज हम बिल्कुल तिकोना वाला पराठा बना के तैयार करेंगे। तो इस पर हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे। आटा लगाएंगे और इसे हम बेलकर तैयार कर लेंगे तिकोने आकार में। ये देखिए इस तरह से हमने बेल के तैयार किया है, इतनी हमें इसकी मोटाई लेनी है। तावा गर्म हो चुका है, इस पर हम पराठा डालेंगे, इसे हल्का सा ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब इसे हम पलट देंगे, ये देखिए हल्का सा चित्तियाँ पड़ने लगी हैं। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी कर लेंगे, में भी बना सकते हैं, हम रिफाइंड तेल में भी बना रहे हैं। दोनों तरफ अच्छे से तेल लगा देंगे, इसमें तेल लगाते ही दोनों साइड तो देखिए फूलने लगा है। इसी तरह से हम दूसरा भी तैयार करेंगे। पालक के पराठे बनके तैयार हैं, इसे हम सर्व करेंगे हरे धनिया की चटनी के साथ। अगर हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।